बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़िर शलीफ। तो व्यूअर्स, आज आप लोगों को पता है कि बात करनी है हम लोगों ने जनाब मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील की पार्टनरशिप के बारे में, कि क्या मैं कहता हूँ उन्होंने कमाल इनिंग खेली है और जो है वो पाकिस्तान को बचाया है बदनामी से कह लें। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश से भी हार जाती टेस्ट मैच तो बहुत ही बुरा होना था और सबने जो है वो बुरा भला कहना था। लेकिन जो है वो अपनी बैटिंग लाइनअप जो है वो संभालने में कामयाब हुए हैं जनाब बाबर मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील। साउथ शकील की बात कर ली जाए तो उन्होंने जो है वो 141 स्कोर जो है वो किया है और बहुत अच्छा स्कोर किया है उन्होंने। और अगर बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, जो मेरे बड़े बेस्ट प्लेयर हैं, जो मुझे टेस्ट उसमें बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट मैच में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये ODI में भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि T20 आई थिंक थोड़ा सा स्लो खेल लेते हैं ये, लेकिन जो है वो टेस्ट मैच और ODI मैच में जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश करते हैं। तो जनाब मोहम्मद रिजवान ने जो है वो 171 रन्स की जो है वो नुमाया इनिंग्स खेली है और जो है वो अपना कह लें कि नॉट आउट रहे हैं, डिक्लेयर उन्होंने किया है अपना 400 कुछ रन्स पे। तो ये कहने की बात है कि जब इनकी सर्जरी का मामला चला है तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है। बाबर आजम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को संभाला है और अपना जो गेम है वो उन्होंने दिखाया है। और जो है वो बात करते हैं अगर शाहिनशाह अफरीदी की, तो शाहिनशाह अफरीदी ने भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की उन्होंने थी कम बैटिंग थी लेकिन सही की थी, तो इन दोनों पर जो है वो काफ़ी असर पड़ा है सर्जरी का। और बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स का मुजाहरा जनाब मोहम्मद रिजवान ने किया है। तो जी अप्रिशिएट करते हैं सबसे पहले जी, ये एड्रेस सलूट है आपको कि आपने जो है वो ज़बरदस्त टीम को संभाला है। क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ये होता है कि जैसे साउथ अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, शान मसूद आउट हो गए, बाबर आजम आउट हो गए, उसके बाद साइम अयूब ने संभाली 56 रन की इनिंग खेली, अच्छी इनिंग्स थी। तो अब उनके बाद जो है वो साउथ शकील आए, उसके बाद रिजवान आए, तो इस तरह के मौके पे बड़ा मुश्किल होता है संभालना टीम को। कि ऐसा होता है कि जी एक ही खड़ा रहता है, विकटें धर गिरते रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माशाल्लाह साउथ शकील वाइस कप्तान और जनाब जो है मोहम्मद रिजवान ने जो है साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने बहुत बेस्ट इनिंग खेली है। तो इंशाल्लाह जो है हमारी उम्मीदें इन पर वाबस्त हैं कि इंशाल्लाह ये टेस्ट मैच भी जीतेंगे और अपने आप को जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा भी करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि हमने मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील की बैटिंग के बारे में बताना था। बहुत बेहतरीन इनिंग्स इन्होंने खेली हैं। तो उम्मीद करता हूँ हम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।